Assalamu alaikum students, welcome to the channel mathematics videos. इस लेक्चर में हमने मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करना है. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ. इस सेक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो आपका होमवर्क असाइनमेंट है. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है. सबसे पहले सीखना है कि प्रिंसिपल लॉगरिथम क्या होता है. इसको समझने के लिए आप सपोज करें कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी, और लेट करें जब इसका नेचुरल लॉग लिया जाता है यानी एल एन ऑफ सी, तो फिर लेट करें आपके पास आंसर ओमेगा आता है. तो इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बेस ले लें ई, तो यहाँ पे भी e की पावर एल एन जी आ जाएगा. अच्छा, सबको पता है कि किसके इक्वल आ जाता है, e की पावर ओमेगा एज इट इज़. e की पावर में एल एन है तो ये कट हो जाता है, आपके पास सिर्फ z आ जाता है. तो z इज़ इक्वल टू e की पावर ओमेगा, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है. ये सिर्फ हमारी सपोजिशन है. तो इसको बना दें इक्वेशन नंबर वन. अब इसको फर्दर प्रोसीड करें, z किसके इक्वल होता है, r मल्टीप्लाइड विद cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. e की पावर ओमेगा के इक्वल हो गया ये सारा. आर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जी, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आयलर्स फार्मूला लगे तो ये बन जाता है ई की पावर आयोटा थीटा. ये सबको पता है, ये इसके इक्वल होता है, हमने प्रूफ भी किया हुआ है इसको. अच्छा, ये सारा किसके इक्वल हो गया, ई की पावर ओमेगा. ई को आप एलिमिनेट करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एल एन अप्लाई करना पड़ेगा, एल एन ई की पावर ओमेगा, और आगे चूँकि प्रोडक्ट है तो फिर आपके पास आ जाएगा एल एन मॉड ऑफ जी प्लस एल एन ई की पावर आयोटा थीटा. पावर रूल लगाएं एल एन की, तो ओमेगा एल एन ई इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड ऑफ सी प्लस इधर भी पावर शुरू में आ जाएगी आयोटा थीटा एल एन ई. आयोटा थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ सी होता है, सबको पता है. और फिर एल एन ई, पिछली सारी एक्सरसाइजेस के कंसेप्ट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तभी आपको ये जाके सही तरह से समझ आएगी. ओमेगा इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड ऑफ सी प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी. अच्छा, ओमेगा की ये स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन नंबर वन को, इस वाली इक्वेशन को, जी इज इक्वल टू ए की पावर ओमेगा. अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली ओमेगा की ये वाली वैल्यू जो अभी निकाली है, इसको हम प्रिंसिपल लॉगरिथम कहते हैं. तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल लॉगरिथम. और इसको प्रिंसिपल लॉगरिथम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लॉग, कैपिटल लॉग यानी कैपिटल एल इस्तेमाल होगा. कैपिटल लॉग ऑफ जी ये किसके इक्वल हो गया, ओमेगा के इक्वल हो गया, जो कि किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जी. तो ये चीज़ है आपकी, इसको आप कैपिटल एल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका एक और फार्मूला भी बनता है, वो क्या है, इसमें एल एन ऑफ मॉड ऑफ जी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी भी एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर साथ में लगेगा आयोटा टू एन पाई. बहुत आसानी से आप ये फार्मूला बना सकते हैं, सिर्फ आयोटा टू एन पाई का बीच में एडिशन हुआ है,
ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, इनको यूज़ किया जाएगा, पहले वाले फार्मूले को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। दूसरा फार्मूला बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला चलें ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए नोट करें कि आप यहाँ पे, चूँकि कॉज और साइन का पीरियड क्या होता है, 2π होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेज में सीखा, थीटा के बजाय थीटा प्लस 2nπ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाता है आर कॉज 2nπ या 2πn 2nπ प्लस थीटा। इसी तरह से साइन में भी ये चीज़ आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे आपके पास ई की पावर आयोटा और थीटा की बजाय क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2nπ। आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा 2nπ। तो इसको फिर आप लिखेंगे मॉड ऑफ जी और ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाइड विद ओ प्लस वाला जो उसमें क्या करें, एक और ई डाल दें, ई की पावर आयोटा 2nπ, यही बन जाता है, जाहिर सी बात है यही बन जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो फिर लॉग तीन क्वांटिटीज़ पे आ जाएंगे। तो तीन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, तो इस पे जब लॉग अप्लाई करेंगे तो इन तीन क्वांटिटीज़ के लॉग का सम हो जाएगा ln ऑफ e की पावर आयोटा 2nπ। ln को अब जब आप एलिमिनेट कराएंगे तो साथ में यहाँ पर क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, साथ ही प्लस आयोटा 2nπ या 2iota(nπ), इसका बीच में एडिशन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये फार्मूले समझ आए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि पिछली एक्सरसाइजेस के कंसेप्ट, स्पेशली एक्सरसाइज 1.1 ठीक तरह से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन, प्रूव दैट लॉगरिथम, ये प्रिंसिपल लॉग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स पाई बाय 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कर भी सकते हैं आप खुद से। ये वाली इक्वेशन अब आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन अब आपने याद रखनी है। अगर नहीं याद होती तो फिर आपको ये दोबारा से सारे स्टेप्स, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये वाली सारी डेरिवेशन करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में। तो अगर फार्मूला याद कर लें तो ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर वन, इसका पार्ट नंबर वन, इसका सोल्यूशन, आपने चूंकि कैपिटल लॉग ऑफ आयोटा फाइंड आउट करना है, तो इसलिए आप इसमें क्या सपोज कर दें कि जी जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि एज कैपिटल लॉग यानी प्रिंसिपल लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। मॉड ऑफ जी निकालें और आर्गुमेंट ऑफ जी निकालें, यानी कि लॉग ऑफ आयोटा जी किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है, इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज का साइन पीछे डालें, लॉग आयोटा इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ जी। अब जी किसके इक्वल है, आयोटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा, तो ln ऑफ स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जी निकालें, एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास है आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी, आर्गुमेंट ऑफ जी कैसे निकलेगा, आपके पास टेन इनवर्स वाई वैल्यू डिवाइड विद एक्स वैल्यू यानी 1 डिवाइड विद 0। अब चूंकि 0 सॉरी एक्स जो है वो पॉजिटिव है, 0 है, नॉन नेगेटिव है, और आयोटा जो है यानी कि वाई जो आपके पास पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो फिर इस केस में आपके पास ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 बाय जो 0 है ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा और ये π/2 बन जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो फिर ये क्या आ जाता, 3π/2। फिर हमें क्या करना पड़ना था कि इसको पाई में से माइनस करना था, तो π/2 फिर हमें करना पड़ा था, आंसर फिर -π/2 आना था। बहरहाल इसके बाद आपने क्या करना है,
ln ऑफ 0 प्लस 1 है वो क्या आ जाएगा, ln ऑफ स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 यानी ln ऑफ 1। ln 1 क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि ये आयोटा पाई बाय 2 के इक्वल है। होपफुली आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो लॉग कैपिटल लॉग यानी प्रिंसिपल लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स पाई बाय 2। दूसरा पार्ट करते हैं, इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें कैपिटल लॉग ऑफ माइनस 5। इसको प्रूफ करें कि दिस प्रूव्स टू बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस आयोटा पाई। इसी तरह का क्वेश्चन है ये, करके मैं दे देता हूँ आपको। लेट करें z इज इक्वल टू माइनस 5। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। तो आपके पास इसको आप लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस 0 एओटा लॉग ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक हो गया। तो लॉग ऑफ z, z की वैल्यू लॉग ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ स्क्वायर रूट x वाले का स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस y वाले का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ tan इनवर्स, बल्कि आर्गुमेंट के बजाय tan इनवर्स लगा लें आप, y ओवर x। y आपका कितना है 0 डिवाइड बाय माइनस 5। तो tan इनवर्स 0, tan 0 किसके ऊपर आता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0। तो अब चूंकि आपका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बन रहा है, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में आपके पास जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, आयोटा एज इट इज tan इनवर्स 0 डिवाइड बाय माइनस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अब थीटा यानी tan इनवर्स 0। थीटा आप हम कैसे निकालते हैं, आपने नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देना है। तो 0 बाय 5 जो है वो क्या हो जाता है, चलो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, आपने निकालना है tan इनवर्स, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर दें तो फिर आपके पास क्या आएगा 0 बाय 5 यानी tan इनवर्स 0 किसके इक्वल आया 0। तो 0 आ गया। अब चूंकि आपका क्वाड्रेंट क्या है, आपका क्वाड्रेंट है सेकंड, तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है इसको पाई में से माइनस करा देंगे। अब क्लियर हो गया। तो ये जस्ट एक रिकॉल था आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में साइन और कॉज वाले मेथड से भी करवाया हुआ ये चीज़। तो ln ऑफ 25 ये क्या हो जाएगा 5, तो ln ऑफ 5 प्लस यहाँ पे भी ln 5 लिख लीजिएगा। तो ln 5 प्लस आयोटा पाई माइनस 0 कितना हो गया पाई। ठीक हो गया, ये आपने प्रूफ करना था। पार्ट नंबर 3 और 4 एक जैसे, इनमें से आपको मैं कोई सा एक करा देता हूँ। पहला तीसरा पार्ट है log माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको करते हैं। लेट करें z जो है वो किसके इक्वल है माइनस 1 प्लस आयोटा। अच्छा, तो log ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इसका नेचुरल log प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ c। ठीक हो गया। तो log ऑफ z यानी कि log ऑफ z के बजाय माइनस 1 प्लस आयोटा, और ln z का मतलब हुआ ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक हो गया। और प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z यानी tan इनवर्स ऑफ y ओवर x 1 डिवाइड विद माइनस 1।
तो ये एल एन ऑफ स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1/2, और फिर प्लस आयोटा। अब ये टेन इनवर्स माइनस 1 आ रहा है, यानी आपने निकालना है टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1, 1 किसके ऊपर आता है? 45 डिग्रीज के ऊपर आता है। अब चूंकि क्वाड्रेंट आपका क्या है, क्वाड्रेंट है आपका एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकेंड, तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में आप आंसर को क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं, 45 डिग्रीज यानी पाई बाय 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इधर पावर शुरू में कर दें 1/2 एल एन 2 प्लस आयोटा। अब इसको एलसीएम करें, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4। यही प्रूफ करना था। हाँ जी, यही चीज़ प्रूफ करना थी। इसके बाद फोर्थ पार्ट तो कर लेंगे आप लोग। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आप निकालें लॉग ऑफ -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। सिक्स्थ पार्ट जो है वो आपके पास 3 और 4th पार्ट की तरह कहते हैं, इसलिए आप लोग खुद कर लेंगे। मैं आपको फिफ्थ पार्ट करके दे देता हूँ। लॉग -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसी तरह से लेट जी इज इक्वल टू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अच्छा, कैपिटल एल आता है यहाँ पर, कैपिटल लॉग ऑफ जी, प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ सी इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। अच्छा, लॉग ऑफ जी यानी कि कैपिटल लॉग ऑफ -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ जी, एल एन ऑफ जी की बजाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जी, -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक हो गया। प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड विद नेगेटिव 1/2। तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट, को सिंपलीफाई करें, इसके अंदर जो रेडिकेंड है इसको सिंपलीफाई करें, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 दैट इज 1 प्लस आयोटा, ये क्या आता है, माइनस स्क्वायर रूट 3। नेगेटिव का साइन खत्म करें, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कितने डिग्रीज के ऊपर, टेन स्क्वायर रूट 3 आता है 60 डिग्रीज के ऊपर यानी पाई बाय 3 के ऊपर। और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या करते होते हैं, थीटा में से पाई माइनस कर देते हैं। अब ये कितना बना है, पाई बाय 3 बना है, इसमें से आपने पाई को माइनस कर देना है, तो ये -2/3 आ जाएगा। एल एन ऑफ स्क्वेयर रूट 1 यानी एल एन 1 कितना होता है, 0 प्लस माइनस 2 पाई आयोटा बाय 3, ये भी इसका आंसर है। तो ये खाली -2π/3 आयोटा आ जाता है। चेक करते हैं, यही प्रूफ करना था आपने। हाँ जी, यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1, प्रूफ करना है कि कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू हाफ लॉगरिथम ऑफ जी प्लस 1 डिवाइड विद जी माइनस 1, और पार्ट नंबर 2 में सेकेंड हाइपरबॉलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी।
आर्टिकल की एक चीज़ पहले कर लेते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये तो बहुत ही सिंपल से सेकेंड ईयर लेवल के क्वेश्चन है। आपको अगर प्रूव करना पड़े कि सिकेंट सॉरी साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ जी ये किसके इक्वल होता है। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर के अंदर रियल नंबर्स या रियल वैल्यूड फंक्शंस के जब आपने हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शंस डिफ़ाइन कराए थे तो इस केस में आपने वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, एक्स एक रियल वेरिएबल है तो इस केस में पढ़ा था हमने कि ये इक्वल हो जाता है ln ऑफ जी प्लस स्केयर रूट जी नहीं सॉरी एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। बिल्कुल यही आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है, यह हमने प्रूफ करना है। तो यह ln ऑफ जी प्लस स्केयर रूट वन प्लस जी स्केयर के इक्वल आता है। वहाँ पे जो काम किया गया था वही काम आपने यहाँ पर भी करना है। इसमें आप लेट करें कि ये वाली जो ln वाली चीज़ है, एक चीज़ ज़रा नोट करें ln के आगे क्या आ रहा है, जी प्लस स्केयर रूट वन प्लस जी स्केयर। ये क्या चीज़ है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ लेट ये जी प्राइम है फॉर एग्जांपल, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी ln ऑफ जी प्राइम राइट हैंड साइड पे। और मैंने हमने जो आर्टिकल में चीज़ पढ़ी है हमने क्या कहा था कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो नेचुरल लॉग है इसको हमने क्या किया था ओमेगा के इक्वल सपोज किया था। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को ओमेगा के इक्वल सपोज कर सकते हैं। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हमने सपोज क्या कर दिया ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप करेंगे सपोज सपोज ओमेगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स सी, दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा, ठीक हो गया। दोनों तरफ साइन हाइपरबॉलिक अप्लाई किया तो साइन हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स कट हो गए तो जी इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा आ गया, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है कि साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा साइन हाइपरबॉलिक वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड विद टू, ये आ जाता है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एक्चुअली नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस स्केयर रूट वन प्लस जी स्केयर निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालें तो आपके पास क्या आ जाता है, जी प्लस वन प्लस जी स्केयर का स्क्वायर रूट। तो यानी कि z की वैल्यू डालें e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड विद टू प्लस स्केयर रूट ऑफ वन प्लस जी स्केयर यानी वन प्लस जी स्केयर, z का स्केयर करें तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा फोर और न्यूमरेटर में आ जाएगा e की पावर ओमेगा का स्केयर यानी e की पावर टू ओमेगा, फिर आगे प्लस e की पावर माइनस टू ओमेगा और माइनस टू, ठीक हो गया। ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड विद टू और ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी आगे प्लस भी है, सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। अब फोर माइनस टू कितना हो गया टू, प्लस e की पावर टू ओमेगा प्लस e की पावर माइनस टू ओमेगा, ठीक हो गया, डिवाइडेड विद फोर, ये सारे का स्क्वायर रूट है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर ओमेगा माइनस e की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड विद टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यह e की पावर टू ओमेगा प्लस e की पावर माइनस टू ओमेगा प्लस टू क्या हो जाएगा, e की पावर टू ओमेगा बल्कि e की पावर ओमेगा प्लस e की पावर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर,
और डिवाइड विद नेचर 4 है, तो ये किसका स्केयर हो गया, 2 का स्केयर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास आ जाता है 2, इनको कलेक्ट करें, एलसीएम बना दें, ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा प्लस ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा, ठीक हो गया, ये दोनों तो हो गए कट। तो आपके पास 2 ई की पावर ओमेगा डिवाइड विद 2, यानी खाली ई की पावर ओमेगा आ जाएगा, और ये सारा किसके इक्वल आया है, जी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आया। तो जी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आया। अच्छा, ई की पावर ओमेगा, अब यहाँ से आप क्या करें, ओमेगा को अलहदा करने के लिए आप ई को ख़त्म करेंगे, यानी दोनों तरफ आप एल एन अप्लाई करेंगे, तो एल एन ऑफ मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड नहीं सॉरी एल एन ऑफ जी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे भी एल एन अप्लाई करें तो एल एन ई की पावर ओमेगा, जो कि ओमेगा एल एन ई बन जाता है, और एल एन ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये ओमेगा का आंसर आया। ओमेगा किसके इक्वल हमने सपोज़ किया हुआ है, सपोज़ किया हमने था ओमेगा सपोज़ किया था साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी के इक्वल, तो ओमेगा के जगह क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी आ जाएगा। ये चीज़, ये फार्मूला, ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके आर्टिकल्स में हुई हुई है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको करके दे दिया। तो साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा नहीं जी किसके इक्वल आ गया, एल एन ऑफ जी प्लस के रूट 1 प्लस जी स्क्वायर, ठीक हो गया, यही आपने प्रूफ करना था। तो होपफुली आपको ये समझ आया। तो अब इसी तरह से आपने क्वेश्चन भी करना है एक्सरसाइज का, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, इसके अलावा कॉस हाइपरबॉलिक जी टेन हाइपरबॉलिक जी टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी सॉरी और कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी, ये सब फार्मूले आपके आर्टिकल्स में हुए हुए हैं। पहले वाला मैंने करके दे दिया साइन वाला, तो बाकी कॉस और टेन और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है सॉरी हाइपरबॉलिक इन्वर्स आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी आपने खुद करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन वाली मैं करके दे देता हूँ एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1, कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स सी इज इक्वल टू 1/2 लॉग जी प्लस 1 डिवाइड विद जी माइनस 1। सेकेंड पार्ट, सेकेंड हाइपरबॉलिक इन्वर्स सी इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस के रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड विद जी, ठीक हो गया है। इनमें से आप मेरे से करवा लें कोई सभी, पहला पार्ट करके दे देता हूँ मैं। पहला पार्ट कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स सी है ना, तो इसमें आप क्या सपोज करेंगे, ओमेगा, लेट ओमेगा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी, तो आपने ओमेगा इसके इक्वल लेट कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपके पास इसी तरह से जी आ जाता है कॉट हाइपरबॉलिक ओमेगा, ठीक हो गया। कॉट का मतलब कॉज ओवर साइन, यानी ई की पावर ओमेगा और प्लस आएगा ई की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड विद माइनस ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा, ठीक हो गया, ये आपका जी आ गया। निकालना क्या आपने, राइट हैंड साइड को देखें, लॉग 1 प्लस के रूट 1 माइनस जी सॉरी जी प्लस 1 डिवाइड विद जी माइनस 1, लॉग के अंदर जो चीज़ दी हुई है वो आपने लिखनी है, अब जी प्लस 1 डिवाइड विद जी माइनस 1, जी प्लस 1 क्या आ जाएगा, ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा, ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा प्लस 1, जी की पावर डाल जी की वैल्यू डाली और फिर प्लस 1, इसी तरह से नीचे जी की वैल्यू दोबारा से डालें, ई की पावर ओमेगा
प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा डिवाइड विद ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा माइनस वन। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाता है ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा प्लस वन मल्टीप्लाइड विद ए की पावर ओमेगा माइनस ए की पावर माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, और डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर में ए की पावर ओमेगा माइनस ए की पावर माइनस ओमेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करें, ए की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा माइनस ई की पावर ओमेगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड विद ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा। तो ये दो तो कट हो जाते हैं, बाकी जो चीज़ रहेगी उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आ जाता है, क्या क्या कट हो रहा है, ये और ये कट हो जाते हैं और ये कट हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 2e की पावर ओमेगा और डिनोमिनेटर में आ गया 2e की पावर माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, 2e की पावर ओमेगा डिवाइड विद 2e की पावर माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, 2 कट हो जाते हैं, माइनस ओमेगा ऊपर जाएगा प्लस ओमेगा, तो e की पावर 2 ओमेगा। ये आपके पास किसका आंसर आया है, जी प्लस वन डिवाइड विद z माइनस वन। ठीक हो गया, e की पावर 2 ओमेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ln लेंगे दोनों तरफ, तो ले लें ln ln ऑफ z प्लस वन डिवाइड विद z माइनस वन। ठीक हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी ln ऑफ e की पावर 2 ओमेगा, 2 ओमेगा शुरू में लिखते हैं और ln e वो वैसे ही 1 हो जाता है। अच्छा, ओमेगा निकालना है तो यहाँ पे 1/2 जाके डिवाइड कर दें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस वन डिवाइड जी माइनस वन। तो ये नेचुरल लॉग, इसके बाद ओमेगा की वैल्यू डालें, क्या की थी हमने, कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी के इक्वल लिखी थी, हाँ जी कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी, ये आपने ओमेगा रखा हुआ है तो यहाँ पे जस्ट आपने ओमेगा लिख लेना है, ओमेगा की वैल्यू सॉरी डाल देनी है, कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स थी और यही आपने प्रूफ करना था। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, नेक्स्ट पार्ट तो आप कर सकते हैं ना, सेकंड पार्ट, सेकेंड हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी निकालना है, तो ओमेगा को लेट करें, सेकेंड हाइपरबॉलिक इन्वर्स जी यानी जी जो आपके पास सेकेंड हाइपरबॉलिक जी। सेकेंड हाइपरबॉलिक जी यानी कॉज को आपने रिवर्स करके लिख लेना है, 2 डिवाइड विद ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। निकालना क्या है, राइट हैंड साइड को देखें, लॉग के अंदर 1 प्लस के रूट 1 माइनस जी स्केयर डिवाइड बाय जी है, तो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर 1 प्लस के रूट 1 माइनस जी स्केयर डिवाइड विद 2 है या जी है, एक सेकंड ये चेक करना पड़ेगा मुझे नोट्स में से, ये जी है। ठीक हो गया, तो नीचे जी आ गया, इसके बाद वैल्यूज डाल दें, 1 प्लस स्केयर रूट 1 माइनस जी स्केयर यानी 4 डिवाइड विद ई की पावर एक्स का स्केयर ई की पावर 2x यानी के प्लस ई की पावर माइनस 2x और प्लस 2। ठीक हो गया,
डिवाइडेड विद जी का आंसर बल्कि एक आसान काम करते हैं यहाँ पर कि जी किसके इक्वल है, सीकेंट हाइपरबॉलिक जी के इक्वल है ना, तो आप आसान काम करें यहाँ पर कि यही वैल्यू डाल दें, जी किसके इक्वल होगी, सीकेंट हाइपरबॉलिक जी के इक्वल है ना, ओमेगा ही है, जी नहीं है, ये ओमेगा यहाँ पर जी सीकेंट हाइपरबॉलिक ओमेगा के इक्वल है, तो जी की वैल्यू डालें 1 - g² यानी कि सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर जी। अब ठीक हो गया, डिवाइड विद जी यानी सेकेंड हाइपरबॉलिक जी, ई की पावर अगर इस जगह पे यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा, कंबरसम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसके बाद आप करेंगे 1 प्लस, अच्छा हमें पता है कि सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर जी प्लस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर जी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो फिर 1 - सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर जी क्या हो जाएगा, 10 हाइपरबॉलिक स्क्वायर जी, इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा, 10 हाइपरबॉलिक जी। नहीं समझ आया, आ गया होगा, डिवाइड विद सेकेंड हाइपरबॉलिक जी, इसको अलहदा अलहदा करके लिख लें और इसके नीचे भी अलहदा करके लिख लें सेकेंड हाइपरबॉलिक जी, ये क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक जी, कॉस हाइपरबॉलिक जी प्लस 10 जो है वो साइन ओवर कॉस हो जाएगा और सेकंड जो है वो ऊपर जाके कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस से कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ साइन हाइपरबॉलिक जी आ जाएगा। अब ठीक हो गया, अब की काफ़ी आसान हो गया, अब वैल्यूज डाल दें इनकी, e की पावर एक्स, एक्स नहीं सॉरी जी प्लस e की पावर माइनस जी डिवाइड विद 2 प्लस e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस जी डिवाइड विद 2। अब क्या करेंगे, 2 को एलसीएम कर दें, e की पावर जी प्लस e की पावर माइनस जी प्लस ई की पावर जी माइनस सी की पावर माइनस सी डिवाइड विद 2, दिस इज इक्वल टू 1 + √1 - c² डिवाइड विद जी। कौन कौन कट होती है, ई की पावर माइनस जी कट होगी ई की पावर माइनस सी के साथ, 2 ई की पावर जी डिवाइड विद 2 दैट इज इक्वल टू ई की पावर जी, और ए की पावर जी इज इक्वल टू ये वाली चीज़ है दैट इज़ राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, ए की पावर जी किसके इक्वल है, इसके बाद एलन करें, तो एलन करते हैं तो जी इज इक्वल टू एलन ऑफ 1 + √1 - g² डिवाइड विद जी। ये चीज़ प्रूव करनी थी, जी किसके इक्वल है, सेकंड हाइपरबॉलिक इनवर्स, जी नहीं है सॉरी, ये क्या ओमेगा आ रहा है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो इस जगह पर जी की वैल्यू जो है वो 1 - सेकंड हाइपरबॉलिक ओमेगा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पे मैंने जी यूज़ किया राइट हैंड साइड पे वहाँ पे आपने ओमेगा लगा देना है, छोटी सी मिस्टेक आ गई, तो यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, ये सारी जगहों पे ओमेगा आएगा और इधर भी राइट हैंड साइड पे ये सारे का सारा ओमेगा आता जाएगा, तो प्लीज़ इसको सेट कर दीजिएगा, तो एंड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ई की पावर ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो आपके पास ये सारे के इक्वल आ जाएगा और एंड में ओमेगा किसके इक्वल है, सेकेंड हाइपरबॉलिक इनवर्स जी के इक्वल है, और इसका आंसर ये वाला आ गया जो राइट हैंड साइड पे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर